साथियों नमस्कार। मैं आज आपको एक 70 साल के दादाजी से ऐसा अनुभव दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आज से पहले जब दादाजी युवा थे, जब इनका बचपन था, तब कैसे खेती करते थे और आज की खेती और पहले की खेती में दादाजी से जानेंगे। दादाजी वृद्धावस्था में हैं, मैं राजस्थानी में ही बोलूंगा ताकि आप सभी इसको गौर से सुने और समझें। दादाजी राम राम सा, राम राम सर। कई नाम है आप रो? मारो नाम सुतरा राम है सर। की हो गांव है आप रो? मारो गांव वाले राय सर। अच्छा, आपरी अवस्था उम्र कितनी है के दादा? उम्र साहब गुण हितर साल है सर। गुण हितर, 1 साल पूरा हुए तो हितर पर आ हाँ गई। तो हितर पूरा हुई ओ आप जो को एकदम शरीर एकदम आपरो ताजा है, कोई बीमारी नहीं है आपरे, इनो कोई राज है? वो तो साहब मारे पहले कोई दवाई या बीजी मां के मैं हुई देरावा में जिमता ही नहीं था। देसी इलाज हाल तो करकन जो हाँ ठाट बीजी लागती तो करबो ले ने भाई मिर्सा नोकेन खाइन माता उड़ेन हुए रहता शरीर गर्म रहता जरा अपने आप ठीक हो जाता। आज हूँ पहले जो को बूढ़िया लोग खेती करता अच्छा वा किकर करता? बातों को कोई दवाइयां बीजी अंग्रेजी को हती नहीं और जो मारे गाय और गोरू गाय और वो भैंस और वो खात वे तो वो खेत में डालता आज ने पसे उनने मैं अनाज बावता जो वो अनाज मीठू वे तो खावार में एकदम बढ़िया और ने हमी है जो अनाज खाओ जो खानु तो पड़े से ऐसा पण वो स्वाद नहीं रियो पहला वालों खावार में। वो कोई कारण है कि पहला रोज आप अनाज पैदा करता वीर में ने स्वाद हो गुण हा ताकत ही धान में, और आज रे जो को अनाज है ईर में ताकत क्यों कोनी? अच्छा पहली वो जो देसी खातरू जो मनाज वेतु बनने में ताकत थी हम तो असम में केमिकल आवे जो वो मतलब शरीर में बीमारी है नहीं है बदारे तो बीमारी आए ने खावारे में कोई स्वादिष्ट है नहीं। अपन बात करा बाजरी री, अच्छा आज जो को बाजरी है, आजरी बाजरी में कई स्वाद है और पहली वाली बाजरी में कई स्वाद हो? आज की बाजरी तो कम सब सारा टाइप है खाओ के खानी तो पड़ी से सा पर वाह बाजरी मीठी थी बन्नू जो हरू लेता वो रोटी थे वो और मोड़े न फूकड़ू खाता ने एकदम मीठू और ने हमें जो पुरु खावन तो साफ सारो वेजी लागे। आपरे जालोर महीने आपरे सायला में बाजरा री खींच भी बनावे। आशा पहली बाजरा रे खींच बनावता दादी माँ, और अबे आज रे खींच में कोई फर्क है? पहली हुकम खीस बनावता के जरी जो लुगाई खीस रे पाड़े बैठी बनावा हारू बने हाथ रे वो जो वो डोईलो में फेरती के बनने हाथ रे सेतरू बढ़नू पड़तू और सेतरू नहीं बोझता था वे अपने बाजरी रे मायला वे उड़े उड़े न वा घाट रे वे उड़े उड़े मायती ने हाथ पर बढ़तो यानी कि पहली रा धान रे मैंने पहली री बाजरी री मैं खींच में ताकत ताकत वेती थी और वा लाता मारती, ना तो मारती और ताकत एड़ी स्थिति ही के आपके ओ के लुगाया जो हाथ माते पहली कपड़ो बांधती ताकि हाथ में हलावना में सावधानी रे, माते छांटो पड़ भी जावे लेकिन बड़े को नहीं। छोटा पड़ता अब आज आप जो को देख रहे हो अपने घर में आजू बाजू में जो को लुगाया जो को घाट रांधे या फिर बाजरी रो खींच रांधे, बीर महीने कोई ताकत है? वरना माए तो कोई ताकत को नहीं कोई बहुत बार कौम नहीं है हाँ। एक सोटो नहीं उछले माए तो बोले आप पड़े बैठा बैठा घुमावता रहो माए डोईलो फेरता रहो एक सोटो नहीं पावे मारे। अच्छा आपरो अनुभव बहुत अच्छो लागो। और एक आ बात बताओ दादाजी, जो को पहली बूढ़िया लोग बिना अंग्रेजी दवाइयों खेती करता और बीमार भी नहीं पड़ता, और बीमार पड़ जाता जन कोई करता? जरे तो हुकम में सपाक होने तो जाता ही नहीं था। अच्छा जरे तो मोरे देसी इलाज थी आ बाजरी वाली मोरे इलाज तो अच्छा कोई इलाज तो थोड़ा जो बताओ। बाजरी रो करबो हाँ मैं सांस मिलावे हाँ आर ने गर्म करता अच्छा गर्म करे न वरना मैं थोड़ी मिर्चो डालता ये अपने खावारी मिर्चो राती लाल मिर्च ये डाले आर ने पिए आर ने हुए रहता माते ओढ़ीन जो शरीर आपनु पूरु मारू गर्म वेतु आर ने सुबह उठता जे रेडी रेट कोई जने हुई दे रही। अच्छा इतने सपाक होने जावार कौम ही नहीं पड़तू तू। अच्छा जने आपरे स्वास्थ्य आज 70 साल री अवस्था में भी एक नौजवान हृदय है, आप आवाज भी एकदम बहुत
तेज है। आज स्थिति एडी है कि जो ए लारला मोटियार मोरे हीर का ये अंग्रेजी दवाइयों बिनु न तो उठे न की काम करे, आप उन्हें लोगों ने कोई कहनी चाहो? मैं तो हुकम रोज कहो हाँ। कहते अत्रु वो मतलब दवाइयां यूज मत करो, उन्हें मत दे रहा वो देसी इलाज करवारी हजार आको, पर मैं अमुनिया युवा पार्टी है मोनता ही है कौन मोर तो। आज जो को बदलाव आयो है खेती में, पहली रो जो अनाज वेतो ताकतवर वेतो, अनाज में गुणवत्ता वेती, और बूढ़िया कहता के एक आदमी अपन बड़द गाड़ी वे माता ऊपर भारो बांधन ले जाता, आ स्थिति हती। और आज जो को आदमी 40 किलो रो कट्टो नहीं ऊंचा सके, और जो को परिवर्तन आयो है, आप रो अनुभव काफी किसान सुने ला और इन्हें समझे ला के भाई वास्तव में पहली वाली धानरी ताकत आज कोनी, तो आप लारला जो को ये खेती करे मोटियार ने आपको कहनी चाहो के अंग्रेजी करो लाग पाचे देसी माता वाला? मैं तो हुकम अनवन देसी करवा रो कह रिया हूँ। अच्छा, के भाई धीरे धीरे वो सुधार करो थे पासा जो दगलो में जो खेती करता के बने रस्ते आवो तो थोड़े शरीर में सुस्ती रही और फायदा में रही हो, खर्चो कम आवी और बनी बसते भाई आर नेत्र अमी वे तो सा मोने तो रिया नहीं, अपन मोरी कोशिश आई से के भाई पासा जूने रस्ते आओ।